गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ, खुश और मस्त होंगे। तो कल है नया साल, मतलब 1 जनवरी, और आज है 31 दिसंबर। कैसा रहा आपका ये साल, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आने वाले साल में तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये हो वो हो, लेकिन जो साल मेरा बीता वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल साल। मतलब समझ लो 12 महीने सिर्फ मैं रोई हूँ, कभी भी ये साल मुझे खुशी नहीं दिया। अब मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हुआ, बट आने वाले सालों से बहुत उम्मीदें हैं। तो किस किस का ये साल गोल्डन रहा और किस किस के लिए बैड, जरूर मुझे बताइएगा। अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट मी। तो आज माही बनाने जा रहा है दाल फ्राई, देखती हूँ कैसा बनाता है और टेस्ट करके देखती हूँ, क्योंकि इसने बनाया है, मैं भी कुछ हेल्प करी हूँ। और यह है स्टूडेंट स्पेशल दाल फ्राई, स्टूडेंट को कैसे बनाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए कम टाइम में बढ़िया सा। कैसा लगा था तुम्हें दाल फ्राई? बहुत अच्छा लगा था, मैंने चखा था। चलो मैं भी चख के खा के आपको बताती हूँ रियल कैसा बना था। तो स्टूडेंट स्पेशल दाल वो बनाया था, फटाफट से देखती हूँ। सो गाइस, ये देखो, ये हूँ मैं, ये है मेरा फोन, ये है मेरा रस, और ये है टी जो तुमने हमें दी और हमने पी। बैंगन, बैंगन, अबे बैंगन का भरता बनाऊंगी मैं, रुक जा, मुझे बैंगन के भरते बड़े पसंद है। सो गाइस, बैंगन हम आपको बोले, बैंगन जैसा मुंह लग रहा है आपका। बैंगन अतुल है मेरी, टमाटर और हम दोनों मिलकर बनेंगे भरता। टमाटर गाइस, मेरे बिल्लो रानी कैसी लग रही है इस वाले पर्पल वाले ड्रेस में, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो तुम इसमें। चलो गिफ्ट देता हूँ। लगती हो बड़ी सुंदर, बड़ी छुछुंदर दिखती हो, ये क्यों हमें देती हो, इसे फेंक के मारती हो मैं तुम्हें। चलो पोपट हो गया, पोपटिया तो तू है। तो गाइस ये हूँ मैं, और ये है मेरी पीहू, और ये है रस, और ये है चाय, ये है टी। 1 कप टी तुमने हमें दी, हमने पी। ही गाइस, मेरी पीहू सॉफ्ट में चली गई है और माही गए हैं साइंस एग्जीबिशन, और मैं इसे मारने वाली हूँ पट्ट से हेडशॉट। पट्ट से हेडशॉट लग गई, ये देख लो, ये जानते हैं इतना क्यों खुश है, फोन है हाथ में और उसको मैं अभी छीनने वाली हूँ। लवन बकलोल, चलो जल्दी से फिनिश करो, बहुत हो गया तुम्हारा टाइम पास। गाइस देखो, रूबी के किचन में एक बार फिर से आपका है स्वागत, और यहाँ बन रहा है दाल फ्राई। ये देखिए मस्त दाल फ्राई बन रहा है। तो माही को लग गई थी भूख और खाने में इसको सब चीज़ है मना, तो इस वजह से ये मिक्स किया गया है, मिक्स दाल, चूना उना बढ़िया से साफ सुथरा किया हुआ है। तो ये अब दाल इसमें कलेक्टिव से कर रहा है फ्राई, और ये बनाएगा दाल फ्राई। सारे तरह के गरम मसाले, सब तरह से खड़े मसाले, गरम वाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब डाल के और इसको ये भून रहा है। देखो ये मिक्स दाल है, तो अच्छे से भून जाने के बाद फिर इसमें ये 5 मिनट में बनने वाली फटाफट वाली रेसिपी, और ये मात्र 3 सीटी में तैयार होती है। नमक डालो पहले, अभी नहीं, पहले नमक पड़ेगा, और दिखाती हूँ कैसा बनता है ये। हेलो, कस्तूरी मेथी कभी भी डालो तो ऐसे से इस चीज़ को हाथ पे क्रश कर लिया क्यों, उससे क्या होता है, क्रश करके ही डालो, उससे क्या होता है, देख कितना बारीक बारीक जा रहा है। तो इससे क्या होगा ना कि जो तुम्हारे मुंह के एक्स्ट्रा आता है ना, वो लच्छा जैसा वो नहीं आएगा। देखो लच्छा है ना, यहाँ बारीक जो मैंने कटे पर टेप लगाया, कितना गंदा लग रहा है हाथ पे। तो हो गया, दाल फ्राई और ये आसान है, ये नहीं पड़ेगा। ओए, ये पूरे डाल दिया। चलो अब लगेगी इसमें सीटी, कहाँ गया कुकर का ढक्कन, लिड। आपका पोपट क्यों होता रहता है? हो गया,
मैंने आपको एक गुड न्यूज देने वाला हूँ। जैसे अभी ना कुछ टाइम पहले मेरा एक एग्जाम हुआ था, वेदांतु एक लर्निंग साइट है उसकी तरफ से, तो मैं वहाँ गया था डीएवी स्कूल। एंड जब मैंने वहाँ पे एग्जाम दिया तो आज उसका आया मेरे को कॉल, तो कह रहे थे कि मैंने पूरी दिल्ली में, ऑल ओवर दिल्ली में मैंने 99 रैंक आई है मेरी, और ऑल ओवर इंडिया में 1015, हाँ मतलब 1015वीं रैंक आई मेरी ऑल ओवर इंडिया में AIR में, और दिल्ली में 99, मतलब पूरी दिल्ली में 99 नंबर पे। थोड़ा और अच्छा कर पाता मैं, लेकिन फिर भी जिसमें लाखों बच्चों ने भरा था उसमें मेरा आया। ये अभी मेरे को कॉल आया था तो सर जो थे उन्होंने मुझे बताया ये बात, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ, आप लोग भी मन लगा के पढ़ो, अपने स्टडी पे ध्यान दो। वेदांतु इस तरह के जितने भी लर्निंग ऐप है उसको जरूर आप लोग ज्वाइन करिए। आप लोग देखो इसमें जरूर नहीं, ये लोग आपसे पैसे नहीं मांगता, आप इन पे ट्राई करो, मतलब जैसे कि आप जो ट्यूशन पढ़ते हो उसमें से अगर आप थोड़ा और निकाल के अगर इस पे लगाओगे तो आपको बहुत अच्छा आउटकम मिल सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा, रिकमेंड करूँगा आप लोग इनके जैसे एग्जाम जो आते हैं, फॉर्म आते हैं, स्कॉलरशिप, इन सब पर ट्राई करो। कोई का लक का होता है और किसी की स्टडी का होता है, अगर आपके दोनों अच्छे हो तो आपका 100% नाम तो जरूर आएगा। और बस खुशी में दाल फ्राई इसको तुम क्या कर रहे हो खुशी में। तो गाइस ये देखो मानी बनाए हैं दाल फ्राई, और ये कितना मस्त दिखा ना, बन के ये तैयार हुआ है। ये क्या है, मसाले का गट्ठा है क्या? स्टूडेंट का, हाँ स्टूडेंट का है। जैसे आप पढ़ने वाले स्टूडेंट है और आपके पास टाइम नहीं है उतना सब कुछ करने का, तो आप एक कुकर में फटाफट सब कुछ तड़का वगैरह डाल करके, खड़े मसाले और हल्दी मिर्ची नमक धनिया टमाटर, इसे नहीं खानी है आप डाल सकते हैं धनिया पत्ती, धनिया है नहीं है तो कस्तूरी मेथी, और इस तरह से सीटी लगा दो, 3 सीटी में ये हो गया दाल तड़का तैयार। और ये बहुत ही लजीज गाइस लग रहा है देखने में, बस स्मेल इतनी बढ़िया आ रही है। तुम क्यों नहीं फोकस करते हो, तुम कुकर में झांकने लगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो ये देखो एक बार इसकी थिकनेस, और ये तो जरूर आप तैयार कीजिए, ये स्टूडेंट चीज भी नहीं है, तो फटाफट से बनाओ खाओ, तुरंत तैयार होने वाला चीज है ये, अच्छी चीज है, जरूर आप लोग एंजॉय किए होंगे। माही बनाए हैं, माही रेसिपी दे देंगे आपको। गाइस देखो ये सर्व कर दिया मम्मी ने, कितना अच्छा लग रहा है। घी डाल दो? नहीं घी मुझे अच्छा नहीं लगता, जिसको घी पसंद है घी या बटर डाल के खा सकते हैं। ओ मैं आ रहा हूँ, मैं ट्यूशन भी जाना था तो इसको मैंने फटाफट से ट्राई कर लिया, मतलब तैयार बना लिया इसको। वो देखो खा के दिखाता हूँ, बहुत गर्म है मम्मी, इतना अच्छा लग रहा है, सही बता रहा हूँ, ऑफ कैमरा बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस देखो यहाँ पे ये चख रही है। तो गाइस मम्मी की ना तबीयत खराब हो गई थी तो वो तो सो गई है, तो मैंने सोचा ब्लॉग मतलब आज एंड कर देते अभी। तो आई होप आज को मतलब आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब से कर लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आपको उम्मीद है दाल की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।